और बुलेटिन के सेगमेंट पे बात करेंगे हम मांडर उपचुनाव की। तो उपचुनाव चल रहा है मांडर में, मांडर के इस मुकाबले को जीता कौन है इसी का फैसला इस वक्त जनता कर रही है। ईवीएम में उन भाग्यशाली उम्मीदवार के नाम पर बटन दबाए जा रहे हैं और ये जीत किससे नसीब होती है ये मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन रांची जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव में फिलहाल वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और शाम 4 बजे तक मतदान चलता रहेगा। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सभी बूथों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील बूथों की पहचान की गई जो कि सीआरपीएफ के जिम्मे उसे किया गया है। कुल 433 मतदान केंद्र यहां पर है और इसको लेकर 1732 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। तो वही सुरक्षा के लिए 3000 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों में 145 अति संवेदनशील बूथ के तौर पर चिन्हित हुए हैं जबकि 216 बूथ संवेदनशील बूथ के तौर पर पहचाने गए हैं जबकि वनरेबल बूथों की संख्या 55 है। उपचुनाव में बोगस मतदान रोकने के लिए पहली बार 38 पर्दा नशी बूथ बनाए गए जहां पर्दा नशी बूथ पर महिला मतदान कर्मी तैनात की गई हैं। और हमारे सहयोगी राकेश पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं कि फिलहाल क्या दिख रहा है चुनाव मैदान में जहां पर मौजूद है वो मतदान केंद्र पर और ओवरऑल क्या सिनेरियो क्या कुछ नजर आ रहा है। राकेश कहां पर इस वक्त आप हैं और क्या दिखा पा रहे हैं क्या बता पाएंगे आप? पंकज देखिए मैं मांडर में फिलहाल मौजूद हूँ और हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। तो तमाम चीजों को देखने निकली है, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं वक्त न जाया करते हुए। शिल्पी जी कैसा माहौल देख पा रही है इस उपचुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है, सुबह से ही लोग अपना काम काज छोड़ के आ रहे हैं। दिख रहा है कि लोग कितना जागरूक है, कितना उनको आस है इस चुनाव से, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है अभी तक। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बाई इलेक्शन को लेकर बहुत एक्साइटमेंट वोटरों में नहीं होता है, लेकिन क्या मांडर की तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है आपको? आप भी तो घूमी होंगी कई जगह। नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे मैं कह रही हूँ उत्सुकता तो उत्सुक बहुत है लोग यहाँ पे और उनको क्योंकि काफ़ी चीज़ है मुद्दा इस बार का चुनाव में, तो काफ़ी चीज़ को देखते हुए लोग एक पर्व के जैसा आज का दिन को देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लोगों के जहन में क्या है, जो वोटर्स हैं उनके जहन में क्या है, वो क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्योंकि आप लगातार लोगों से मिले होंगे कैंपेन के दौरान, आपने लोगों से इंटरेक्शन किया होगा, तो लोगों के जहन में क्या है इस बार इस बाई इलेक्शन को लेकर? हाँ तो लोगों के जहन में यही है अभी मुझे जैसा लगता है, वो तो लोग अच्छी तरह से जनता आपको बता पाएंगे, मगर जहाँ तक मुझे लगता है लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं। कोरोना काल के समय जो कुछ काम रुका पड़ा हुआ है उनको फास्ट ट्रैक में लाने चाहते हैं। एक शिक्षित मुझे लगता है एक अच्छा लीडरशिप वो ढूंढ रहे हैं और बिल्कुल उनका उनका जो इतना चहेता नेता था बंधु तिर्की जी, जो उनके साथ गलत हुआ उसको भी वो एक न्याय दिलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो यही सब मुद्दों को लेके शायद वो आज यहाँ पे वोटिंग बूथ में आ रहे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज अब तक का रहा है, 9 बजे के हम ऑफिशियली आंकड़ों की बात करें तो 14% के आसपास है। क्या आपको लग रहा है ये वोटिंग परसेंटेज इसी वे में कहाँ तक जाएगा, 60-70 के आसपास जाएगा लग रहा है आपको? ये आंकड़े बनाना बताना तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि जैसे मूड और मिजाज है वोटरों, 4 बजे तक अभी इलेक्शन है, तो मुझे लगता है 1-2 बजे के आसपास हम कुछ बेटर मैथ कर सकते हैं, जो सही गणित है हम 2-2 बजे बता सकते हैं, अभी तो ये थोड़ा मुश्किल नंबर्स है। ओके एक दूसरा सवाल है कि एक तरफ मांडर की बहू गंगोत्री गुजर को कहती है कि वो यहाँ की बहू है और आप यहाँ की बेटी, लोग थोड़े कंफ्यूज हैं क्या कि बहू को चुने ये बेटी को? देखिए मांडर की जनता को विकास चाहिए, कोई यहाँ पे लोगों को बहू बेटी दामाद और बेटा से मतलब नहीं है, लोगों को विकास चाहिए। जैसे मैंने कहा लोगों को ऐसा कोई लीडर चाहिए जो समाज को साथ में ले सके, ये सभी क्वालिटीज़ वो अपने प्रत्याशियों में देखने का कोशिश करें और मुझे लगता है इन सभी मुद्दों में इन सभी बेसिस में उनको डिसाइड करना चाहिए अपना वोट। 3-4 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आवाज़ थोड़ी अच्छी थी, बेटर अब थोड़ी आवाज़ बैठ गई आपकी? हाँ थोड़ा तो बुरा हाल है, मौसम भी वैसा है और काफ़ी बात कर रहे हैं हम लोगों से तो उसके कारण थोड़ा थ्रोट भी स्ट्रेस्ड है। एक आखिरी सवाल ले लेते क्योंकि आपको और कहीं जगह जाना है, क्या लग रहा है कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी जीत को लेकर, जो अभी तक के वोटिंग परसेंटेज रहा, जो वोटरों का रुझान है, उन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर?
नहीं, मैं नर्वस हूँ, ज़रूर बोलूँगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मुझे नहीं पता। देखिए, आज जनता का दिन है, हमारा जितना काम था लोगों से कनेक्ट करने का उसको हम कर चुके हैं पिछले दिनों में। अब आज जनता का दिन है और ये 26 को ही आपका फैसला होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अभी कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसमें कुछ कॉमेंट नहीं करूँगी। तो सब कुछ जनता पर छोड़ रखा है शिल्पी नेहा तिर्की ने, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व जनता के अधीन ही होता है और जनता ही फैसला लेती है कि किसे विधानसभा पहुंचाना है, किसे नहीं पहुंचाना है। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बहुत शुक्रिया। और यही सवाल मेरा आखिरी होता, लेकिन वो आपने मेरे मन की बात शायद राकेश समझ ली, जो पूछा आपने कि क्या महसूस करिए, दबाव, नर्वसनेस क्या। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। और देखिए, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की के साथ बातचीत हुई, जो प्रत्याशी कांग्रेस की, और अब अपने तमाम मतदान केंद्रों की ओर घूम रही है। लोगों को लगातार प्रेरित करें कि वोट करने के लिए आप जाइए और वोट कीजिए, और कहा उन्होंने कि आश्वस्त है वो। और सबसे जो खास बात उनकी लगी, इस बात जो सुना मैंने राकेश के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा कि देखिए, बेटे, बहू, बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, एक अच्छा प्रतिनिधि आप चुनिए, यही कोशिश होनी चाहिए मतदाता की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।